लगता है नागपुर एयरपोर्ट के इन दिनों अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। यात्री संख्या बढ़ने के बावजूद एयरलाइंस की ओर से पहले ही विमानों के मूवमेंट कम किए जा रहे हैं। अब यहाँ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए इसे थर्ड पार्टी को हैंडओवर करने की प्रक्रिया पर विराम लगता नजर आ रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हवाई अड्डे के लिए फिर से निविदा मंगाए जाने के संकेत दिए हैं। एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा कि तकनीकी मुद्दों की वजह से देरी के कारण यहां बनने वाले प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए निविदा फिर से मंगाई जा सकती है। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड को मिहान इंडिया लिमिटेड से पिछले साल मार्च में इस हवाई अड्डे के लिए अनुबंध मिला था। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास, परिचालन और प्रबंधन के लिए मिहान इंडिया लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है। गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र की पिछली देवेंद्र फडणवीस सरकार ने हवाई अड्डे को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके लिए समय पर कार्य शुरू नहीं हो पाया। तकनीकी मुद्दों की वजह से यह काम अटका रहा। अब संभावना है कि इसके लिए नए सिरे से निविदा आमंत्रित की जा सकती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।